गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बात कर रहे हैं रिवीजन ऑफ द ऑवरेन साइकिल। ऑवरेन साइकिल को और क्या बोलते हैं? मेस्टर साइकिल। ये जो साइकिल है ये 28 डेज में कंप्लीट होती है, ठीक है। तो सबसे पहले जो ये साइकिल है ये मेनली फोर फेज के अंदर क्लासिफाइड होती है। फर्स्ट इज मेस्टर फेज, सेकेंड इज फोलिकुलर, थर्ड इज द ओव्यूलेटरी फेज एंड फोर्थ इज द लूटल फेज। तो जो मेस्टर फेज है ये कब होती है? जिसे 28 डेज का कंप्लीट साइकिल है, तो इसके जो स्टार्टिंग में 1 से 4 डे कौन सा फेज होता है? मेस्ट्रुअल फेज। इस फेज को हम मेस्ट्रुअल फेज क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसमें क्या होता है? मेस्ट्रेसिस मींस की वेजाइनल ब्लीडिंग, ठीक है। उसके बाद कौन सा आता है? फोलिकुलर फेज। ये कब शुरू होगा? 5th डे से शुरू होगा और 14 डे तक कंटिन्यू रहेगा ऑफ द मेस्ट्रुअल साइकिल। देन इसके बाद कौन सा फेज आता है? ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज ओनली 8 दिन के लिए होता है। कौन से दिन के लिए? 14 डे के लिए। जब क्या होता है? ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन से इसका क्या नेम होता है? ओव्यूलेटरी फेज। उसके बाद कौन सा फेज शुरू होता है? लास्ट फेज मीन्स की लूटल फेज। ये कब शुरू होता है? 15 डे से। एंड कब फिनिश होता है? 28 डे ऑफ द मेस्ट्रुएशन साइकिल, ओके। तो यहाँ पे हमने डायग्रामेटिकली इसको एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले ये हमने क्या दिखाया? यूटेराइन साइकिल मींस कि इस मेस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम जो एंडोमेट्रियम वॉल है उसमें क्या क्या चेंज आते हैं। सेकंड हमने दिखाया ओवेरियन हार्मोन। तो ओवेरियन हार्मोन में जैसे कि एस्ट्रोस्टेरोन हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, ठीक है, लुटेनाइजिंग हार्मोन्स है, इनका जो लेवल है वो कैसे चेंज हो रहा है ड्यूरिंग द ओवेरियन साइकिल। थर्ड हमने दिखाया कि ओवरी के अंदर क्या क्या चेंज आते हैं ड्यूरिंग द मेस्ट्रुएशन साइकिल ऑफ द ओवेरियन साइकिल। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मेस्ट्रुएशन फेज की। तो मेस्ट्रुएशन फेज मींस के स्टार्टिंग के जो 1 से 4 डे होता है इसमें क्या होता है? अनफर्टिलाइज ओवम, एंडोमेट्रियम वॉल एंड द ब्लड, इन सब का क्या होता है? डिस्चार्ज थ्रू द वजाइना, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेस्ट्रुएशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम वॉल है जो हमने ब्लू कलर से दिखाया है ये क्या दिखाया है? एंडोमेट्रियम वॉल, इसकी क्या हो जाती है? रप्चर, ठीक है। तो रप्चर हो गई तो ये क्या होना शुरू हो जाएगा? फॉलिंग। देन जैसे ही इसी पीरियड को तो हम क्या बोलते हैं? मेस्ट्रुएशन पीरियड। तो जैसे ही यहाँ पे एंडोमेट्रियम वॉल है रप्चर कर जाती है तो जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है इसका जो लेवल क्या हो जाता है? डिक्लाइन। प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है लो होने की वजह से ये क्या करेगी? एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिम्युलेट करेगी कि आप क्या कराओ? फोलिकल स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन्स को क्या करवाओ? रिलीज, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन लेवल कम हुआ, एंटीरियर लोब को स्टिम्युलेट करेगा फोलिकल स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन्स को रिलीज करने के लिए। अब सेकेंड जो फेज आता है वो आता है फोलिकुलर फेज। फोलिकुलर फेज में क्या होगा? जो ये फोलिकल स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन है ये प्राइमरी फोलिकल्स को किस में कन्वर्ट करवाएगा? ग्राफिन फोलिकल। ग्राफिन फोलिकल्स को और हम क्या बोलते हैं? मैच्योर फोलिकल, ठीक है। तो इसमें एक्चुअल होता क्या है? बीच में क्या होता है? स्कैंडियोसाइट्स स्ट्रक्चर के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद क्या होता है? जोना पेलुसुडा, देन क्यूमेरस ओफेरस, फिर एक एट्रम की कैविटी होती है एंड देन क्या होता है? मल्टीपल लेयर ऑफ द फोलिकल सेल, इसको हम क्या बोलते हैं? मैच्योर फोलिकल और द ग्राफिन फोलिकल। तो इस फोलिकल की जो फोलिकुलर सेल है वो एक हार्मोन को रिलीज करवाते हैं जिसका क्या नेम होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन। तो यहाँ पे जो एस्ट्रोजन हार्मोन का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड इस फेज में एंडोमेट्रियम वॉल की यदि हम बात करें तो वो भी रिपेयर होना स्टार्ट कर देती है। तो यहाँ पे जो इसकी थिकनिंग है वो कितने जाते हैं? 2 से 3 मिलीमीटर थिकनिंग। और ये थिकनिंग कैसे हुई है? By the development of the smooth muscle. Then जो next phase आता है वो आता है ovulatory phase. But इससे पहले क्या हुआ था? Estrogen hormone का level increase हुआ था। ये जो high estrogen hormone है ये again क्या करेगा? Anterior lobe of the pituitary glands को stimulate करेगा कि अब आप क्या करो? Follicle stimulating hormones का जो level है उसको क्या करवा दो? कम। Because आप एक बार याद कीजिए, हमने hormones वाले chapter में बात की थी endocrinology में कि जो एस्ट्रोजन है वो नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन शो करता है, उसके थ्रू क्या करवाता है? फोलिकल स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन्स के लेवल को डिक्लाइन करवा देगा। यदि एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा है तो वो नेगेटिव फीडबैक के थ्रू
फोलिकल स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन्स का लेवल को क्या करवा देता है, डिक्लाइन। बट ये भी स्टिम्युलेट करवा के जाता है एंटीरियर लोब को कि आप लुटिनाइजिंग हॉर्मोन्स का सीक्रेशन कंटिन्यू करें। तो जो एंटीरियर लोब है वो फोलिकल स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन्स का जो सीक्रेशन है वो क्या करवा देते हैं, कम। बट लुटिनाइजिंग हॉर्मोन्स का जो सीक्रेशन है वो क्या करवा देते हैं, इंक्रीज। और जो लुटिनाइजिंग हॉर्मोन्स है आपको पता है क्या करवा के जाता है, ओव्यूलेशन। तो जो नेक्स्ट फेज है ओव्यूलेटरी साइकिल, इसमें कौन सा हॉर्मोन का रोल होता है, मेनली लुटिनाइजिंग हॉर्मोन का, जो क्या करवा के जाएगा, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन मीन्स की जो मैच्योर एग है या फिर ओवम है उसका क्या हो जाए, रिलीज। तो यहाँ से क्या हुआ, मैच्योर एग या फिर ओवम का रिलीज होगा। तो जो बाकी के स्ट्रक्चर बची है इसका क्या नेम होता है, कॉर्पस हेमिरेचिटम। और ये जो ओव्यूलेशन है किसकी वजह से हुआ है, ओनली लुटिनाइजिंग हॉर्मोन्स की वजह से। तो इसका जो लेवल है लुटिनाइजिंग हॉर्मोन्स का वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो सडनली इंक्रीज हुआ है, इसको हम क्या बोल दिया जाते हैं, एलएच सर्ज। बट इस फेज के अंदर जो एंडोमेट्रियम वॉल है इसमें कुछ ज्यादा चेंज नहीं आता। नेक्स्ट क्या होता है, लुटिल फेज। लुटिल फेज कब शुरू हुआ, 15 डे में। इसमें क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियम वॉल है वो थिक होना और ज्यादा थिक होना स्टार्ट कर देती है। बट यहाँ पे जो थिकनिंग है वो किस वजह से होती है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से। कैसे, चलो देखते हैं। ओव्यूलेटरी फेज में क्या बना था, कॉर्पस हेमिरेचिटम। बट लुटिल फेज के अंदर जैसे ये एंटर करेगा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कॉर्पस लुटियम में। और कॉर्पस लुटियम क्या करवाता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन। तो जो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये क्या करवाएगा, एंडोमेट्रियम वॉल को और ज्यादा थिक करवा देगा, अप्रोक्सीमेट 5 मिलीमीटर थिकनिंग। ओके, एंड यदि फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो फर्टिलाइजेशन होगी तो क्या बनेगा, जायगोट। ठीक है, जायगोट है वो क्या बना के जाएगा, क्लीवेज होनी शुरू होगी तो मोनुला ब्लास्टुला वगैरह की फॉर्मेशन होगी। तो जो ब्लास्टुला है वो क्या करता है, इम्प्लांटेशन होने के बाद क्या बनता है, प्लेसिंटा। प्लेसिंटा क्या होता है, फिटस को मदर के साथ ज्वाइन करके रखता है। तो यहाँ पे कौन सा प्लेसिंटा होता है वुमन के अंदर, कोरियोनिक प्लेसिंटा। ये जो प्लेसिंटा है एक हॉर्मोन को रिलीज करवाता है जिसका नेम होता है HCG हॉर्मोन, मीन्स की वुमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। ओके, ये हार्मोन है ये कॉर्पस लुटियम को स्टिम्युलेट करवा के जाएगा कि आप क्या करवाओ, कंटिन्यू प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन करवाओ अप्रोक्सीमेट 9 मंथ का प्रेगनेंसी के टाइम। बिकॉज आपको पता है कि प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है उसको कंटिन्यू रखने के लिए कॉर्पस लुटियम को कोई ना कोई तो स्टिम्युलेट करवा के जाए। तो ये वो वहां पे कौन करवा के जा रहा है, HCG हार्मोन। ओके, बट यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो, ओके, वन पॉइंट और, यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन का लेवल इंक्रीज रहा है 9 मंथ तक, तो जो एंडोमेट्रियम की वॉल है वो भी रप्चर नहीं करेगी, मींस की मैस्टेसिस नहीं होगा। इसलिए जो हम बोलते हैं कि जो मैस्ट्रल पीरियड है वो या फिर मैस्ट्रल साइकिल है वो क्या हो जाते है, स्टॉप हो जाते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो जो ये वॉल है इसके बीच में जो जायगोट है वो क्या हो जाता है, डिपोजिटेड। ओके, बट यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, तो जो कॉर्पस लुटियम है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉर्पस एल्बिकेंस में। और यदि कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाएगा तो जो कॉर्पस लुटियम है वो तो क्या रहेगा, कम। तो प्रोजेस्टेरोन लेवल भी क्या रहेगा, यहाँ पे डिक्लाइन। प्रोजेस्टेरोन लेवल क्या हो गया, डिक्लाइन, यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। बट फर्टिलाइजेशन हो गया तो 9 मंथ तक कंटिन्यू। अब यदि यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है तो एंडोमेट्रियम वॉल है वो अगेन क्या करनी शुरू कर देते हैं, रप्चर। तो रप्चर होगा तो क्या होगी, वजैनल ब्लीडिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैस्टेसिस। तो अगेन कौन सा फेज शुरू हो जाता है, मैस्टेसिस फेज, मीन्स की अगेन कौन सी साइकिल शुरू हो जाती है, मैस्टेसिस साइकिल और द ओवरियन साइकिल। तो ये जो फेज है वो नेक्स्ट साइकिल का स्टार्ट हो जाता है। क्लियर, दिस इज अबाउट द मैस्टेसिस साइकिल और द ओवरियन साइकिल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड नाइट।